व्हाट्स अप लवली पीपल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर सबका हमारे इस चैनल में। आज के वीडियो में हम कुछ डरावनी फुटेजेस देखने वाले हैं जो दुनिया भर से अलग अलग लोगों ने अपने कैमराज में कैप्चर की थी। इसमें से कुछ फुटेजेस बहुत ज्यादा भयानक भी हैं। कुछ लोगों ने ऐसी चीजें देखी जो वो खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आखिर ये क्या हो सकता है। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड। ये वीडियो अपलोड किया है स्नैक बिट मैगी ने, और रेगिस्तान में व्लॉगिंग के दौरान वो इस जगह पर पहुंच गए थे जो कि काफी ज्यादा सुनसान और डरावनी है। And there's a hole here that just goes way down. I'll show you that. And then it gets kind of scary. I'm looking for a cave, and something about that cave just spooked me out of all the caves I've ever gone in. दरअसल यहां पर इसे एक खदान मिली है जो कि सुनसान पड़ी हुई है। पहले किसी जमाने में यहाँ पर कोई काम हुआ करता होगा। हालांकि पहले भी इस टाइप की जगहों पर यह जा चुका है, तो इसके सब्सक्राइबर ने इसे रिक्वेस्ट की थी कि तुम्हें वापस से इन जगहों पर जाना चाहिए। और आपको बताना चाहूंगा, इन्हीं में से एक टनल में जब यह पहुंचा तो वापस वहां से कभी लौट कर नहीं आया। ना तो इसकी डेड बॉडी मिल सकी और ना ही आज तक कोई ये जान सका कि इसके साथ क्या हुआ था। हालांकि इस वक्त इस बंदे की हम ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि अब तक इसका कोई अता पता नहीं है। ये वाला सीन देखिए आप। I'll just show you down inside that hole. It goes way, way, way down in there. Let me see if I can. That's pretty far. हम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पर ये बंदा हंस रहा है, और इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले पलों में ये इसी टनल में गायब होने वाला है। इसके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। यहाँ पर ये भाई बहन अपने दूर के किसी रिश्तेदार को बर्थडे विश करते हुए अपना वीडियो शूट कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो सीधे हाथ की तरफ जो लड़की खड़ी है, ऐसा लगता है उसने मामा बोला हो, यानी कि माँ बोला हो। क्योंकि जैसे ही ये माँ का नाम लेती है, पीछे उल्टे हाथ की तरफ जो ग्लास रखा है वो नीचे गिर जाता है, और अगर आप ध्यान देंगे तो उसके अंदर एक आकृति भी जाती हुई नजर आती है जो कि किसी भी इंसान जैसी तो नहीं लगती। आपको क्या लगता है इस वीडियो के पीछे क्या रीजन हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताएं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। ड्राइविंग करने के दौरान क्रिस्टोफर को एक आकृति नजर आती है जो कि काफी ज्यादा अजीब और गरीब है। क्रिस्टोफर बताते हैं कि गर्मी में तपते हुए इस रेगिस्तान में कई मीलों तक हमें कोई नजर नहीं आया, फिर अचानक से ये आकृति नजर आने लगी। वो बताते हैं कि पहले तो हम ये सोचने लगे कि कहीं इसको मदद की जरूरत तो नहीं है, लेकिन जब हमने इसकी तरफ पलट कर देखा और जाने की कोशिश की तब तक ये चीज वहां से गायब हो गई थी। रेगिस्तान पूरा खुला हुआ है, यानी कि इस चीज को वहां पर छुपने के लिए कोई जगह नहीं है। एक जगह पर, यानी कि यहाँ पर ऐसा लगता है मानो वो भाग कर आकृति इनकी तरफ आ रही हो। इस वीडियो पर कमेंट करने वाले कई लोगों ने कहा कि ये कोई विच यानी कि डायन भी हो सकती है। ये वीडियो अपलोड किया है J2 डासी ने, और वो बताते हैं कि उनके घर के बाहर ये अजीबोगरीब घटना उनके कैमरा ने रिकॉर्ड की है, जिसे देखने के बाद शायद कोई भी शख्स डर सकता है। आइए नजर डालते हैं कि आगे क्या होता है। सबसे पहले तो हम यह देख सकते हैं एक अजीबोगरीब आकृति ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आती है। दरअसल इसके जस्ट बाद एक बहुत जोरदार तरीके से कोई चीज टकराई थी, जिसकी वजह से ये जो बंदा है आप देख सकते हैं खिड़की में से आकर बाहर जाकर चेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये इतना ज्यादा डरा हुआ है कि बाहर आकर चेक नहीं करता बल्कि सिर्फ खिड़की में से देखकर वापस अंदर लौट जाता है। अगर ये वीडियो वाकई में रियल है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक असली भूत को कैमरा ने रिकॉर्ड किया है। ये जो बंदा है इसका नाम है ओरकन एजिटमेक, और ये तुर्की का एक बहुत ज्यादा पॉपुलर यूट्यूबर है। ये अलग अलग जगहों पर जाता है और वहाँ की वीडियोस शूट करता है। ये चेर्नोबिल साइट पर आया हुआ है। ये वही जगह है जहाँ पर 80s में न्यूक्लियर धमाका हुआ था और पूरी जगह तहस नहस हो गई थी। आज भी उसकी वजह से वहाँ काफी रेडिएशन है। ये अपने साथ रेडिएशन नापने वाला मीटर भी लेकर आया है, और इसके अलावा और भी कई डरावनी घटनाएं उसके सामने वहाँ पर होती है। मीटर 50 यूनिट्स शो करता है जो कि सही है। बाकी आपको बताना चाहूंगा कि रेडिएशन का जो लेवल होता है
वो एक सेकंड में ही बूस्ट कर जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है। आइए आपको दिखाते हैं आगे इसके साथ क्या हो रहा है। खाई भी नहीं जब ये इस जगह की तरफ आगे बढ़ता है तो मीटर इसे वार्निंग देता है कि यहाँ पर मत जाओ क्योंकि यहाँ पर रेडिएशन बहुत ज़्यादा हाई है। हालांकि ब्लर होने की वजह से कितना लेवल है वो तो हमें नहीं दिख पाया, लेकिन अगर ये लेवल 100 तक पहुँच जाता है तो ये आपकी बॉडी को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। फिर ये इस जगह की एक लैब में पहुँचता है जहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे जानवरों को जार में पैक करके रखा गया है। ये यहाँ से आगे बढ़ता है और एक दूसरे कमरे में पहुँचता है जहाँ पर बहुत सारे क्रिप्स रखे हुए हैं जिनमें अक्सर बच्चों को लिटाया जाता है। अब इसके मन में ये सवाल आता है कि भला इस जगह पर इतने सारे क्रिप्स की क्या ज़रूरत थी। ये सन 2008 का CCTV कैमरा फुटेज है और यहाँ पर ये जो लड़का दिख रहा है ये ओहायो का एक स्टूडेंट है जिसका नाम है ब्रायन शेफर्ड। पहले तो ये एस्केलेटर से ऊपर जाता हुआ नज़र आता है, उसके बाद कुछ लोगों से एक बार के बाहर बात करता हुआ नज़र आता है। दरअसल ये इसका आखिरी अपीरियंस था, यानी कि बस ये इसका आखिरी फुटेज है। इसके बाद कोई नहीं जानता कि ये बंदा कहाँ गया, इसके साथ क्या हुआ। कई लोगों ने इसको ट्रेस करने की कोशिश की, जिधर जिधर ये गया सेम वो मोमेंट भी करके देखे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ पाया कि आखिर इस बंदे के साथ क्या हुआ है। फिर चाहे पुलिस हो या फिर इसके दोस्त, सभी लोग इसकी तलाश कर चुके हैं, लेकिन 2008 से लेकर अब तक इसका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है कि आखिर इसके साथ क्या हुआ। ये वीडियो ग्वाटेमाला से आया है। यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड को एक औरत के चिल्लाने की और साथ में रोने की आवाज़ें आ रही हैं, जिसे सुनने के बाद ये नीचे उतर कर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सीढ़ियाँ काफ़ी पुरानी हैं। ये बाहर जाता है और ये अंदाज़ा लगाता है कि झाड़ियों में से वो आवाज़ें इसे सुनाई दे रही हैं। आइए सुनते हैं कि आखिर कैसी आवाज़ें हैं। हमने यहाँ पर देखा कि ये गार्ड उतर कर आता है, अच्छे से जांच पड़ताल करने में लगता है, लेकिन फिर भी इसे अंदाज़ा नहीं लग पाता कि यह आवाज़ें किसकी हैं। यहाँ पर जो बाइक खड़ी है वो बाइक में भी चाबी लगाता है, उसकी लाइट्स ऑन करके सामने देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। जबकि लोगों ने कमेंट करके ये सजेस्ट किया कि ये आवाज़ें लाल ओरना की हो सकती हैं। यहाँ पर रात का टाइम था, एक बंदा एक सुनसान बिल्डिंग में पहुंच गया है। आइए देखते हैं उसके साथ क्या हुआ है। अगर हम इस फुटेज को ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर खिड़की में एक चेहरा नजर आ रहा है, जो कि वाकई में एक डरावना एक्सपीरियंस है। ये बंदा दावा करता है कि ये कोई भूत प्रेत ही था, क्योंकि ये बिल्डिंग बरसों से खाली पड़ी हुई है। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है, जहां पर हमने देखे कुछ डरावनी वीडियोस, कुछ भूतिया फुटेजेस। आशा करता हूं कि ये पूरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर भी इसे शेयर कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।